हेलो लीगल लर्नर्स, तो लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। सो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी ये बात करता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लेने से मना नहीं कर सकती। चलिए समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होते क्या हैं। हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है और वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए, साथ ही हर पर्सन को ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा ही इक्वल ट्रीट करना चाहिए, फिर वो चाहे रिच हो, पुअर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो और नॉन ऑफिशियल हो, कोई भी पर्सन अबव द लॉ नहीं हो सकता। और इसी वजह से इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बात करता है कि हर इंसान पर इक्वल प्रिविलेजेस और इक्वल लाइबिलिटीज इम्पोज की जानी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एक इक्वल सर्कमस्टेंस में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और हर पर्सन पर सेम लॉज अप्लाई किए जाने चाहिए, जिसके लिए इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एवे डाइसी ने कॉइन किया था। इनके अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ के 3 मेन एलिमेंट्स हैं: एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडियन लीगल सिस्टम में थर्ड एलिमेंट अप्लाई नहीं होता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंट्री के किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। इनके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं की जा सकती हैं। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस इनके अगेंस्ट कोई अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं किया गया है। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत कोई भी पार्लियामेंटेरियन और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी प्रकार की बात बोली अथवा दिए गए मत के लिए किसी भी अदालत में उत्तरदायी नहीं होंगे। आर्टिकल 31 क्लॉज सी भी आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। आर्टिकल 31 क्लॉज सी डिफाइन करता है लॉज जो कि स्टेट द्वारा बनाए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हों, उनको इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यूं तो आर्टिकल 14 कहता है कि लॉज सबके लिए इक्वल हैं, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटी करने के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है ताकि स्टेट डिफरेंट ग्रुप की डिफरेंट नीड्स को समझ सके। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली शंकर 1952 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी कि एक रीजनेबल डिफरेंस, दूसरी रेशनल एक्सिस यानी कि एक रिलेशन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव और क्लासिफिकेशंस के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर प्रतिबंध लगाते हुए रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अनुमति देता है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के डायमेंशन को एलैबोरेट करते हुए ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 14 आर्बिट्ररी पावर के अगेंस्ट है। स्टेट लायबल टू पे कॉम्पनसेशन। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज एमके गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, अगर किसी सिटीजन को स्टेट की आर्बिट्ररी एक्शंस के चलते कोई इंजरी और लॉस होता हो तो स्टेट लायबल होगी उसे कंपनसेशन पे करने को। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। ये डॉक्ट्रिन एक इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी के रिलेशन से डील करती है। एक पब्लिक अथॉरिटी एक इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट लायबल मानी जा सकती है अगर वो एक्सपेक्टेशन कुछ पास्ट प्रैक्टिस या किसी प्रॉमिस से डेवलप हुई हो। उदाहरण के तौर पे मैं एक नागरिक होने के नाते अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि एक कंपनसेशन के तौर पे एक स्पेशल राइट और स्पेशल प्रिविलेज उन कास्ट और क्लास को दिया जाना चाहिए जो कि सदियों से सप्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन सहती आई हूँ। पास्ट में किए गए डिस्क्रिमिनेशन को कंपनसेट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल
सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। स्टेट किसी भी पर्सन को रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो उसे रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता पब्लिक शॉप्स, वेल्स, टैंक्स, पब्लिक प्लेस को यूज करने से, और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता आइदर बाय स्टेट और अ प्राइवेट इंडिविजुअल। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के कुछ एक्सेप्शन रूल हैं, जैसे स्टेट एम्पावर्ड है चिल्ड्रन और वुमेन के वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजंस सेट करने को। स्टेट सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और एससी एसटीज की एडवांसमेंट को लेकर के भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, लाइक रिजर्वेशन सीट्स प्रोवाइड कराना, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फ्री एडमिशन दिलाना। साथ ही गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो केवल पब्लिक ही नहीं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, फिर वो चाहे गवर्नमेंट एडेड हो या ना हो, उनमें एडमिशन करा सकती है। सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ओबीसीज़ को भी 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, जिनमें से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड रखा गया है। क्रीमी लेयर्स में वो क्लास ग्रुप आती हैं जिनकी एनुअल इनकम अबाव 8 लाख मानी जाती है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ये कहता है कि हर सिटीजन को पब्लिक सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। साथ ही किसी भी सिटीजन को उसके रिलीजन, कास्ट, क्लास, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर पब्लिक सर्विसेज के लिए इनएलिजिबल नहीं माना जा सकता। आर्टिकल 16 के एक्सेप्शनल रूल्स भी हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट चाहे तो सर्टन एम्प्लॉयमेंट में रेजिडेंस एज अ कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकती है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग स्टेट बैकवर्ड क्लास के लिए पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशन सीट भी अपॉइंट कर सकती है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में उसी रिलीजन के पर्सन को एज ए मेंबर और गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करना आर्टिकल 16 का वॉलेशन नहीं माना जाएगा। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के स्कोप को एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% जॉब रिजर्वेशंस अपॉइंट की। कंडीशंस जैसे कि एडवांस सेक्शन यानी कि क्रीमी लेयर इस बेनिफिशियरी से एक्सक्लूड होंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन यूज नहीं किया जाएगा, रिजर्व कोटा 50% पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सीड नहीं किया जाना चाहिए एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 बात करता है अगर कोई पर्सन किसी भी तरह की छुआछूत प्रैक्टिस करता है तो वो दंड के लिए दोषी माना जाएगा। छुआछूत का मतलब होता है किसी सर्टन क्लास और कास्ट पर किसी तरह की सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज करना उनके उस सर्टन कास्ट और क्लास में पैदा होने की वजह से। 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट नामक एक्ट पारित किया जिससे कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत करता पकड़ा जाए तो 6 महीने और ₹500 जुर्माने का हकदार होगा। पर्सन जो कि अनटचेबिलिटी के ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड होगा वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस में भी खड़ा नहीं हो सकता है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी दिया जाना चाहिए। साथ ही स्टेट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट होने से रोकने के लिए नेसेसरी स्टेप ले। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 बात करता है कोई भी पर्सन अपने नेम के साथ डिस्टिंक्ट टाइटल नहीं लगा सकता, लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक फील्ड्स। बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के केस में ये इशू था कि नेशनल अवार्ड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 में एज अ टाइटल कंसिडर होते हैं या नहीं। लेटर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 18 के अंडर नेशनल अवार्ड एज अ टाइटल कंसिडर नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन इन अवार्ड को एज अ टाइटल में यूज़ करता हो तो उससे ये टाइटल जब्त कर लिए जाने चाहिए।